अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए गर्मियों के हिसाब से एक रेसिपी लेके आई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का पुलाव, चिकन पुलाव। और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि क्या बीफ पुलाव को हम चिकन में बना सकते हैं। चिकन की ये थोड़ा डिफरेंट मेथड होता है, तो आज मैंने सोचा कि आपको चिकन का पुलाव बनाना सिखाऊँ। और गर्मियों में हल्की चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है, तो इसमें चिकन का पुलाव बिल्कुल बेस्ट है। मेरी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। चिकन है हमारे पास 1 kg, चावल हैं बासमती 3 पाव, इसको हमने 20 मिनट के लिए पानी में भिगोना है, 750 ग्राम, 2 बड़ी साइज़ की स्लाइस अनियन, और ये गरम मसाले हैं हमारे पास कुछ, ये है लौंगे 6 से 7, काली मिर्चें 1/2 चम्मच, साबित गोल काली मिर्चें, 1 है दालचीनी का की स्टिक, छोटी इलायची है 4 या 6 अदद, और ये एक बड़ी इलायची है, ये 30 पत्ता है हमारे पास 2 अदद, ऑयल है तकरीबन 3/4 कप, हरी मिर्चें हैं 8 अदद, ज़ीरा है सफ़ेद 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका, टमाटर 2 अदद, दही 1 कप। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखें, अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद तमाम गरम मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, ये मैंने इलायची का जो है मुंह खोल दिया है, हमेशा इलायची जो है मुंह खोल के डालें, तभी इसकी खुशबू होती है, वरना नहीं होती। और ये है ज़ीरा, ये भी हमने ऐड कर दिया है, और अब थोड़ा सा इसकी खुशबू आ जाए 2 मिनट तक, इलायची वगैरह की गरम मसाले की अच्छी से खुशबू आ जाए, फिर हम इसमें अपनी अनियन ऐड कर देंगे 2 मिनट बाद। अब हम इसके अंदर अपनी अनियन ऐड कर देंगे और अब इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे, और थोड़ी सी अनियन हम बाहर निकाल लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, थोड़ी सी अनियन बाहर निकाल लेंगे गोल्डन करके, और बाकी में फिर हम गोश्त ऐड करेंगे। तब इसको अच्छा सा हमें गोल्डन फ्राई करना है। ये देखें, ये मैंने अपना एक छोटे सॉस पैन में 1 गिलास पानी लिया है। अब इसमें मैं धनिया और सौंफ डालूंगी और धनिया और सौंफ का पानी पकाऊंगी तकरीबन 1.5-1.5 घंटे में। इसका 1/2 घंटे में इसका पानी पक जाता है। ये देखें सौंफ है, ये इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको 1/2 घंटे के लिए चूल्हे पर चढ़ाएंगे ताकि इसका पानी पक जाए, फिर ये पानी हम अपने चिकन में ऐड करेंगे। ये सारी हरी मिर्चें मैंने अपने ब्लेंडर में डाल दी है, और अब इसमें हम दही भी ऐड कर देंगे, और अब हम इन सबको पीस लेंगे अच्छी तरह। ये देखें, ये मेरे दही और हरी मिर्चें पीस गई हैं, और ये इधर मेरा धनिया और सौंफ का पानी भी पक गया है, और ये मेरी प्याज भी अच्छी तरह गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल लूँगी। ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली है, उसको फैला दें ताकि थोड़ी सी कड़क हो जाए। और ये बाकी में मैंने अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट इस प्याज में शामिल कर लें, 2 मिनट के लिए इसको चलाएं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए चलाएं, और फिर इसमें चिकन ऐड कर देंगे हम, अपनी सारी चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अब इसे फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, चिकन को गोल्डन फ्राई कर लें। ये देखें, मैं अभी चिकन को जो है 5 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर दिया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, और ये अपने टोमेटोज ऐड कर दिए, और ये दही और हरी मिर्चों का पेस्ट ये ऐड कर दिया, और अब हम इसका मसाला भूनेंगे अच्छी तरह से, पूरा इसका मसाला भूनना है हमें। ये देखें, अब मैं इसको खोल के देखूंगी, टमाटर नरम हो चुके हैं, इनका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसे ढक्कन खोल के अच्छी तरह भून लें जब तक कि तेल ऊपर आ जाए। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे। और एक और बात नोट कर लें कि अगर आपको हरी मिर्चें तेज़ खानी हैं तो आप इसमें और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट भूनूंगी ताकि इसका रोगन ऊपर आ जाए। ये देखें, इसका रोगन जो है वो अलग हो गया है, चिकन हमारी बना गई है। अब इसके अंदर हम ये सौंफ और पुदीने का पकाया हुआ पानी डालेंगे 1 गिलास तकरीबन,
और ये 3 गिलास हम सादा पानी डालेंगे। और अब इसको हम उबलने का वेट करेंगे, फिर हम इसमें अपने चावल डालेंगे जिसे हमने 20 मिनट भिगो के रखा हुआ है। ये देखें ये मेरा पानी जो है वो उबलने लगा है। अब मैं इसमें अपने तमाम चावल ऐड कर दूँगी। देखें ये राइस, मैं इसमें अपने सारे चावल ऐड कर दूँगी और फिर इसका पानी खुश्क होने तक इसको उबलने के लिए रख देंगे। राइस ऐड करने के बाद फौरी तौर पर चमचा चला दिया करें ताकि वो आपस में चिपके ना। अब हम इसको इसका पानी खुश्क करेंगे और नमक फिर इस स्टेज पे ऐड चख लें और फिर अपने हिसाब से और ऐड कर दें नमक। ये देखें ये स्टेज होता है जब ढक्कन ढका जाता है, जब सिर्फ बबल नज़र आने लगती हैं। ये देखें ये सिर्फ बबल नज़र आ रही हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल देंगे और इसे ढक कर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देंगे। चाहे तो इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं। देखिए मेरा पुलाव रेडी है। देखें अब मैं पुलाव दम होने का निशानी ये होती है, देख रहे हैं अभी दाने खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं, जिससे दाने खड़े खड़े हो जाते हैं ना तो कर लेंगे। देखिए मेरा पुलाव रेडी है, अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। इसे डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें कितने बेहतरीन चावल ये बने। मेरा चिकन पुलाव रेडी है फ्रेंड्स, इसे डिश आउट कर लिया है। इसे पुदीने के रायते के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।